हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किस प्रकार से अपने शादी का इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यदि आप ऐसे ही वीडियोज रोज अपने मोबाइल फ़ोन में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल RNG को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन पिक्सेल लैब इंस्टॉल करना होगा। यदि आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में डिलीट के आइकन पर टैप करना है और ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है फोर्स वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, आपको जो है फोर्स वाले ऑप्शन पे टाइप करना है और इमेज साइज को चूज करना है। इमेज साइज में आपको जो है पहला जो है आपको 15 चूज करना है, सेकेंड में आपको जो है 25 चूज करना है। आपको जो है इन सभी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको जो है कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसके कलर को आपको जो है व्हाइट रखना है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है आपका बैकग्राउंड बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आप जो है इसके बॉर्डर PNG को ऐड करने के लिए अपने गैलरी में जाके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हम जो है अपने गैलरी में जाते हैं, यहाँ पिक्सेल लैब में जो हम बना के रखे हुए हैं तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। यदि आप भी कुछ इस प्रकार से बॉर्डर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो बॉर्डर है सेट हो चुका है, अब हम इसे लॉक कर देते हैं। इस प्रकार से आप भी PNG बॉर्डर को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सभी PNG मटेरियल्स को ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जो है सबसे पहले एक PNG इमेज को ऐड करना है। इस PNG इमेजेस को हम जो है अपने गैलरी से ऐड कर लेते हैं। इस PNG इमेज को ऐड करने के लिए आपको जो प्लस के चिन्ह पर टाइप करना, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है और यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार से PNG इमेजेस ऐड कर लेना है। इस PNG इमेज को आप जो है यहाँ कोने में लगा दीजिए और फिर एक बार कॉपी करके इस कोने भी लगा दीजिए। अब आप लोग देख पा रहे हैं दोनों साइड में ऐड हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पे प्लस के चिन्ह पे टाइप करेंगे और एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो है हिंदी में टाइप कर देते हैं, आमंत्रण पत्र। आमंत्रण पत्र टाइप करने के बाद हम जो है ओके कर देंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसके कलर को जो है कुछ भी ब्लैक या कुछ दूसरे कलर में भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पे इसके कलर को इस प्रकार से रखेंगे, उसके बाद इसे हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, शुभ विवाह आशीर्वाद समारोह, शुभ विवाह आशीर्वाद समारोह एवं, हम इतना टाइप कर देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ओके कर देंगे। अब हम इसे और भी छोटा कर देंगे ताकि हमारी इस शेप में एडजस्ट हो सके। इतना ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है इसके कलर को चेंज कर देंगे। इसके कलर को चेंज करने के बाद हम इसे भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम फिर से इसी को जो है कॉपी कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो है कॉपी हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम जो है टाइप कर देते हैं प्रतिभोज। इतना टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। अब हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद हम जो है यहाँ बीच में ला के एडजस्ट कर देते हैं। अब हम इसके कलर को जो है चेंज कर देंगे। किसी भी कलर में हम यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है इसको भी लॉक कर देंगे, फिर इसे कॉपी कर लेंगे। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है यहाँ पे फिर से टाइप कर देते हैं, लड़के का नाम टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद फ्रेंड्स, हम जो है एकदम बीच में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके कलर को जो है हम चेंज कर देते हैं। हम इसके कलर को कुछ इस प्रकार से चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसके साइज को भी घटा देंगे, 35 तक हम इसके साइज को रखेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको एडजस्ट एक जगह पे कर देंगे। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे।
अब हम यहाँ पे फिर से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे लड़का क्या है, मतलब ये कोई सरकारी जॉब करता है या कुछ करता है, तो हम उसके बारे में लिख देंगे। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार से ऐड कर दिए। अब हम इसके साइज को एकदम छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसके कलर को जो है हम ब्लैक कर देंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम इसके कलर को ब्लैक कर दिए हैं और हम इसे भी लॉक कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स से एक न्यू स्टिकर को ऐड कर लेंगे, जो दिल का स्टिकर होगा। हम इसके स्टिकर को ऐड करने के लिए प्लस के चिन्ह पे जाएंगे और यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक न्यू स्टिकर मिल जाएगा। इस न्यू स्टिकर को हम ऐड कर लेंगे और हम बीच में जो है यहाँ पे ले आके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसके कलर को हम जो है पूरा लाल कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पे जो है कुछ टाइप कर देते हैं, जो कुछ भी लिखा जाता है यहाँ पे। इस प्रकार से टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे ऐसे रहने देंगे। अब हम इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। इसके कलर को व्हाइट करने के बाद हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देंगे फ्रेंड्स बीच में करके। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स जो कुछ यहाँ पे लड़के का नाम लिखा गया था, इस टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लड़की का नाम लिख देंगे। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम जो है इसके साइज को भी थोड़ा छोटा कर देंगे। साइज को छोटा करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। या फिर चाहते हैं आप इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसे आप लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है फिर से इस टेक्स्ट को कॉपी करना है, या फिर से हम न्यू टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है हम प्रतिष्ठा में टाइप करेंगे। प्रतिष्ठा में इतना टाइप करने के बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कोने पे इसे रहने देंगे। इसके कलर को जो है हम ब्लैक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो है हम इसे लॉक करके इधर फिर से टाइप कर देते हैं। श्रीमान टाइप कर देंगे फ्रेंड्स। श्रीमान टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पे थोड़ा जो लाइन होता है उस लाइन को भी हम यहाँ पे दे देंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा कष्ट ना करना पड़े। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें जो है तीन लाइन ही बनाना है, इसे ज़्यादा लाइनिंग नहीं करना है, नहीं तो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है तीन लाइन बन चुका है। और हम इस लाइन को जो है थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जो है फॉन्ट को अपने एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉन्ट में फ्रेंड्स ये लाइनिंग जो है काफ़ी दूर दूर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। और हम यहाँ स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद थोड़ा सा इसके जो है साइज को कम कर देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा एडजस्ट हो चुका है। हम यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देंगे। या आप चाहते हैं कुछ यहाँ पे बढ़ाना, तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा इधर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है लाइनिंग हो चुका है। अब हम इसे लॉक कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इधर ही जो है नाम टाइप कर सकते हैं। फिर से प्लस वाले चिन्ह पे टाइप करना और टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है प्रेसर टाइप कर देते हैं। अब हम फिर से जो है इस प्रकार से जो है कुछ बिंदी को टाइप कर देते हैं। ओके कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ओके करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसे ऐसे ही छोड़ देने के बाद फ्रेंड्स हम जो है यहाँ फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फॉन्ट को जो है चूज कर लेंगे। किसी भी फॉन्ट को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स अपने मन मुताबिक। अब यहाँ पे हम जो है पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेंगे। इसे लॉक कर देंगे फ्रेंड्स। अब जो प्रेसर को फिर से हम कॉपी कर लेंगे। प्रेसर को कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है दो एक नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसा कि हम जो है कुछ इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नाम कुछ इस प्रकार से टाइप करने के बाद हम इसे ऐसे ही
रहने देंगे। यहाँ पे आप किसी का भी नाम टाइप कर सकते हैं, क्योंकि जो PLP फाइल में दिया रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ पे पूरा का पूरा आप एडिटिंग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसके यदि आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो फिर वही प्रक्रिया आपको अपनाना होगा। आप यहाँ पे किसी भी कलर में इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक, सब कुछ आपके ऊपर है। सो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको जो है फिर से इस वाले PNG को जो है, जो ऊपर हमने ऐड किया था गणेश जी के PNG इमेज को, आप जो है यहाँ पे इनके इमेज को फिर से कॉपी कर लीजिए और फिर यहाँ पे एक साइड मिला के आप जो है रख दीजिए। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं लगभग लगभग हमारा जो है इनविटेशन कार्ड बन के तैयार हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लिए इस प्रकार से आप जो है इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में पासवर्ड मिल गया होगा। यदि आपको इस वीडियो में पासवर्ड मिल गया है तो आप फटाफट जाइए अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको इसे सेव करना हुआ तो सेव के यहाँ बटन पर टैप करना है और सेव एज इमेज पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ कस्टम पर टैप करना है, अल्ट्रा सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी पर टैप कर देना है। यह जो इमेज है आपकी गैलरी में ऑलरेडी सेव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही था। तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।